महाराष्ट्र सरकार के कारनामों को लेकर हमलावर रहे रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अर्णव की गिरफ्तारी एक पुराने मामले को लेकर हुई है। अर्णव की गिरफ्तारी होते ही राजनीति भी गर्मा गई है। एक ओर जहां भाजपा ने इसे आपातकाल की याद दिलाने वाला कदम बताया, वहीं शिवसेना ने इस गिरफ्तारी को कानून के तहत बताया है। अर्णव की गिरफ्तारी को भाजपा ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया। अर्णव गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने आत्महत्या के एक पुराने मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया है। जब मुंबई पुलिस की टीम वर्ली स्थित अर्णव के घर गई, तो वहां हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पुलिस बाहर का दरवाजा पीटती रही। अर्णव ने एक घंटे बाद दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही पुलिस ने अर्णव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पर आरोप है कि उसने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बदसलूकी भी की। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस अर्णव को घसीटते हुए ले गई। ये कार्रवाई रायगढ़ पुलिस और मुंबई पुलिस की संयुक्त टीम ने की। रायगढ़ पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी के साथ दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को 2018 में आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। ऐसे केस में आईपीसी 306 के तहत मामला दर्ज किया जाता है, जिसमें 10 वर्ष से अधिक तक सजा का प्रावधान है। इस केस में अर्णव के साथ जिन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें फिरोज शेख जबकि दूसरे नितेश शारदा है। गोस्वामी को वर्ली जबकि फिरोज को कांदिवली और नितेश को जोगेश्वरी से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि अन्वय नाइक की कंपनी ने रिपब्लिक टीवी का स्टूडियो तैयार किया था। नाइक का अर्णव पर 83 लाख रुपया बकाया था। इसके अलावा दो अन्य कंपनियों ने भी नाइक का भुगतान नहीं किया था, जिस कारण नाइक का परिवार मानसिक तनाव में था। पुलिस के मुताबिक तीनों कंपनियों पर कुल 5,40,00,000 रुपए का बकाया था। कहा यह भी जा रहा है कि इस मामले में सबूतों के अभाव में इस केस में एफआईआर लग चुकी थी। अब एक प्रश्न ये उठता है कि एफआईआर लगने के बाद अचानक से मुंबई पुलिस के हाथ ऐसा कौन सा सबूत लग गया कि अर्णव को गिरफ्तार किया गया। अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर कई नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गोस्वामी की हिरासत को प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हम महाराष्ट्र में प्रेस स्वतंत्रता पर हमले की निंदा करते हैं। यह हमें उन आपातकालीन दिनों की याद दिलाता है जब प्रेस के साथ इस तरह से व्यवहार किए जाते थे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में प्रेस की स्वतंत्रता पर इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं। ये फांसीवादी कदम अघोषित आपातकाल का संकेत है। पत्रकार अर्णव गोस्वामी पर हमला करना सत्ता के दुरुपयोग का एक उदाहरण है। हम सभी को भारत के लोकतंत्र पर इस हमले के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार मीडिया की आवाज को दबाने में लगी है। कांग्रेस की आपातकालीन मानसिकता अभी भी बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र प्रेस में जो लोग आज अर्णव के समर्थन में नहीं खड़े हैं, वे फांसीवाद के समर्थन में हैं। अगर आप चुप रहते हैं तो आप दमन का समर्थन करते हैं। वहीं भाजपा युवा नेता और सांसद तेजस्वी सूर्या ने गोस्वामी की गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में संवैधानिक स्वतंत्रता के प्रति कोई सम्मान नहीं है। अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करना नीचता है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा है कि पप्पू प्रो को गुस्सा क्यों आता है, सोनिया सेना को इतना गुस्सा क्यों आता है, ये हमारे खुलकर बोलने की सजा है। वहीं अर्णव गोस्वामी पर पुलिस की कार्रवाई पर संजय राउत ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार कभी भी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती। महाराष्ट्र में कानून का राज्य है। उन्होंने कहा कि उस चैनल ने हम सबके खिलाफ जिस प्रकार का बदनामी का कैंपेन चलाया था, झूठे इल्जाम लगाए थे, हमने तो ये कहा कि कोई झूठे इल्जाम लगाता है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने कानून के हिसाब से कार्य किया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।